हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं रतन टाटा को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुंबई से। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त उद्योगपति रतन टाटा को नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए NCPA पहुंचे हुए हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आपको नजर आ रहे हैं। रतन टाटा जिनका कल देर रात निधन हुआ, 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा हमेशा बना रहेगा। अपने पीछे जो विरासत वो छोड़ गए हैं, जो यादें छोड़ गए हैं, वो अमिट हैं। उसे भुला पाना, उसे मिटा पाना नामुमकिन है, असंभव है। और ऐसे में हर तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गृहमंत्री अमित शाह भी NCPA पहुंचे, जहां पर उन्होंने रतन टाटा के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज सुबह से ही एक के बाद एक बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर कोई नमाखों के साथ रतन टाटा को याद कर रहा है, देश के प्रति उनके योगदान को याद कर रहा है, तमाम यादों का जिक्र कर रहा है, तमाम पुरानी यादों को साझा किया जा रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से आज रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ, करोड़ों देशवासियों की आंखें नम है। रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ने बुधवार की रात को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 86 साल के थे। अब उनके आखिरी सफर की तैयारियां चल रही हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं NCPA ग्राउंड की, जहां पर तमाम बड़ी हस्तियां उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रही हैं। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ है, दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है। शाम 4 बजे उनका अंतिम दर्शन किया जा सकेगा। 4 बजे तक बारी बारी से सभी उनका आखिरी दर्शन कर रहे हैं। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया। वो दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा के लिए झारखंड और महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार से जुड़ी हर तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अमित शाह मुंबई पहुंचे हैं रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। उससे पहले उन्होंने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी श्मशान भूमि में लाया जाएगा। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रार्थना कक्ष में रखा जाएगा, जहां अंतिम प्रार्थना की जाएगी। इस अनुष्ठान में तकरीबन 45 मिनट लगेंगे। प्रार्थना प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में रखा जाएगा, अंतिम संस्कार होगा। लाल कृष्ण आडवाणी का भी रिएक्शन सामने आया। रतन टाटा के निधन पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने दुख व्यक्त किया। भाजपा के सीनियर लीडर आडवाणी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा, रतन टाटा उद्योग जगत के बड़े सितारे थे, उन्होंने भारतीय उद्योग पर अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा दूरदर्शी थे। अमिताभ बच्चन भी भावुक हुए, उन्होंने भी तमाम यादों को साझा किया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टाटा के निधन से एक युग का अंत हो गया। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अभी रतन टाटा के निधन के बारे में पता चला, बहुत देर तक काम करता रहा, एक युग समाप्त हो गया। एक अत्यंत सम्मानित, विनम्र लेकिन दूरदर्शी नेता, जिनके दृष्ट और संकल्प अद्वितीय थे। रतन टाटा के साथ बिताए गए विशेष क्षणों को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि हमने उनके साथ कई शानदार पल बिताए, कई अभियानों के दौरान हम साथ साथ शामिल रहे, मेरी प्रार्थनाएं। इसके अलावा शिंदे सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने का। रतन टाटा के निधन के बाद भारत रत्न की मांग अब तेज हो गई है। इस बीच शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से दिवंगत रतन टाटा को सम्मानित करने का, केंद्र सरकार से आग्रह करने का प्रस्ताव पारित किया है।
एक बार फिर से बात करते हैं कुछ और खबरों की। हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस जिन दो सीटों पर नजर गड़ाए हुए थी, वहां पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतार दिए हैं। यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का गठबंधन टूटने की कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस को बिना बताए अखिलेश यादव ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। जिस बात की आशंका थी, जिस बात की चर्चा थी, उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राह करीब करीब यूपी में जुदा हो रही है। इसका प्रमाण भी अब सामने आ चुका है, जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने 5 सीटों की डिमांड रखी थी। फूलपुर और मझवा सीट मांगी गई थी। अखिलेश ने कांग्रेस को झटका दिया है। फूलपुर और मझवा सीट पर एसपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 4 अन्य सीट पर भी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। फूलपुर और मझवा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस के सामने मोलभाव पर पूर्ण विराम लगा चुकी है। सियासत में अपने ही साथी कितने तेजी से रंग बदलते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, उधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोक रही थी। दरअसल अखिलेश यादव की नाराजगी कांग्रेस से पहले भी रही है, जब मध्य प्रदेश के चुनाव में उनके साथ गठबंधन धर्म की अवहेलना हुई और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, तभी तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को परजीवी का सर्टिफिकेट थमा दिया। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में पहले उपचुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में क्या विकल्प बचता है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ रही है, और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। देखिए, दो बातें। एक तो करहल हम कभी मांग ही नहीं रहे थे। करहल सपा की सीट रही है, वहां पर उनका सिटिंग विधायक रहा है, तो हम जो सीटें मांग रहे हैं उस पर उन्होंने घोषित नहीं किया है। और मैंने कहा नहीं कि हम लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य से बातचीत हो रही है और बेहतर तरीके से बात हो जाएगी। और कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे दिल्ली में तय होगा, इसको पहले से अटकलबाजी करना इस पर ठीक नहीं है। भले ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात कह रही हो, लेकिन हरियाणा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अखिलेश का फैसला कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए काफी है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसकी वजह से अखिलेश यादव हरियाणा में कैंडिडेट नहीं उतार पाए और त्याग बलिदान के चक्कर में यूपी से बाहर खुद को साबित नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।